हेलो एवरीवन, एमयू बीटेक एंट्रेंस 2022-23 सेशन का एग्ज़ाम 31 जुलाई को है। तो अब आपके पास सिर्फ 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। आज 29 जुलाई है, तो कल आपके पास 30 जुलाई है, और कल का एक दिन बचा हुआ है और आज का कुछ टाइम बचा हुआ है। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पेपर मिल जाने के बाद पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और एटलीस्ट कितना स्कोर करना है, और मैक्सिमम कितना आपको टारगेट करना है, ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप वहाँ पे जा करके किस तरीके से पेपर को करें। केमिस्ट्री का पेपर पहले करें, या फिर फिजिक्स का पेपर करें, या फिर मैथ्स का पेपर करें। अगर कोई अपनी स्ट्रेटजी बना के जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर आपको जैसे ही आता है, आपको पहले तो OMR शीट फिल करने के लिए आपको दिया जाएगा, और शायद 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। पहले OMR शीट मिल जाती है, ठीक है। पेपर आपको टाइम पे मिलता है, लेकिन OMR शीट पहले मिल जाती है, उस पर आप सब कुछ फिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से फिल करिएगा। अगर मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से पहले से प्रैक्टिस करके जाएं OMR शीट फिल करने की। ठीक है, रोल नंबर, अप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और पेपर का सेट वो भी आपको पता चल जाएगा। ABCD 4 सेट आता है, तो वो आप फिल कर लीजिएगा। अप्लीकेशन नंबर में अप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर में रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, बहुत बार मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। नाम देख लीजिएगा, नाम अगर लिखना हो वहाँ पे तो आप जो भी है वो आप फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर अब हम बात करें तो पेपर आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप पेपर सबसे पहले आपको मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पहले केमिस्ट्री के पेपर्स को पढ़ें। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे 150 क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन पढ़ने के बाद और दिमाग में फिर उसको ले जाना 150 क्वेश्चन को बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट को टारगेट करें। सबसे पहले हम मान लेते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरिटिकल होता है, कम टाइम में हो जाता है। ठीक है, और एक और बात, टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम के लिए। अगर आपने ये सोचा कि हम जो मतलब जो लेंदी है वो हम पहले कर लें, आसान वाले हम बाद में कर लेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत आने वाली है, आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको टाइम बचाना होता है लास्ट मोमेंट के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब टाइम कम बचता है तो गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री का पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर 1 to 50 पढ़ने के बाद उसके बाद आपको फिर शुरू से मतलब अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि फौरन अटेम्प्ट करता है, ऐसे नहीं करना। पहले एक बार 1 से 50 क्वेश्चन तक आपको पढ़ना है, क्योंकि एमयू बीटेक एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, और 150 क्वेश्चन में पॉजिटिव अगर आपका सही होता है तो +1, और अगर गलत होता है तो -0.25, यानी कि 1/4 मार्क्स आपका निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप केमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का पेपर पढ़ने के बाद आपको कोशिश ये करनी है कि 40 से 50 मिनट के अंदर 1 आवर नहीं ले जाना है केमिस्ट्री के पेपर को, क्योंकि अगर आप 1 आवर लेकर के जा रहे हैं तो फिर फिजिक्स और मैथ्स में आपको फिर टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपसे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैंने अपने टाइम पे 35 मिनट में मैंने केमिस्ट्री किया हुआ था। ठीक है, तो कोशिश आपको भी करनी है कि 40 से 45 मिनट के अंदर केमिस्ट्री कर लेना है। ठीक है, और केमिस्ट्री मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 35 से 40 अगर कर पाते हैं, कोशिश तो करनी है 40+ ले जाने की केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आप 40+ ले जाते हैं, जैसे ही केमिस्ट्री हो जाता है फौरन आपको OMR शीट फिल कर लेनी है केमिस्ट्री की। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि पूरे 150 क्वेश्चन के लिए आप पूरा क्वेश्चन कर लें उसके बाद OMR शीट आप लास्ट में फिल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट हो गया, फौरन उसको OMR शीट फिल कर लें, देन आप फिजिक्स मैथ्स में जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करिएगा, और जैसे ही फिजिक्स होता है या मैथ, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, फौरन उसका OMR शीट फिल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप जो थर्ड सब्जेक्ट उठाते हैं उसको फिर करके, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एक बार पूरे पेपर में एक बार आप गो थ्रू जरूर हो जाना, क्योंकि उस बार अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको पहले नहीं आए थे बट उस टाइम आ सकते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, हो सकता है 4-5 नंबर आप सेकंड राउंड में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम आपको बचाना लास्ट टाइम के लिए, ताकि आप एक बार दोबारा से पूरे पेपर को पढ़ सकें। अगर आप दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आपसे 4-5 क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कितना मार्क्स स्कोर करना है ताकि आपको अच्छा ब्रांच मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी आ चुका है, और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें और अगर हम लास्ट ईयर की हम बात करते हैं, ठीक है, अभी जो 2021 का बात हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो एक स्टूडेंट था 78 मार्क्स, उसके 78 मार्क्स उसकी रैंक बनी थी 18th रैंक, ठीक है, 2021 में। और 2020 की बात अगर हम करें तो एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 62, कोविड का टाइम था, पीक कोविड टाइम, ठीक है, और उसके रैंक बने थे 18th रैंक। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, 2020 में कट ऑफ थोड़ा सा लो गया था, ठीक है, 2021 में कट ऑफ हाई गया,
बट हाँ, कट ऑफ हाई तो गया है, लेकिन और ब्रांचेस के लिए कट ऑफ बहुत कम गया है। अब मैं बताता हूँ 2021 में अबाउट टू बी जो सीएस ब्रांच है, अगर देखा जाए तो 65+, अगर 65+ था तो सीएस मिल गया था, अगर 65 नहीं तो 68-67 इतने पे सीएस मिल गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स 60 के आसपास जिसका था उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है 2021 में, ठीक है। और अगर हम बात करें 2021 में इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 नंबर आप कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बाद हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कटाव गया था, ठीक है। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीस 68,000 है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीस 68,000 है और फूड टेक्नोलॉजी की फीस 38,000 है, ठीक है। बाकी और जो ब्रांचेज है उनका जो है 20,000 के अराउंड है, ठीक है, 20 या 22,000 के अराउंड है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का अभी फीस क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी कुछ दिन बाद क्लियर हो जाएगा, और एक से एक महीने यानी कि काउंसलिंग से पहले ही क्लियर हो जाएगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फीस कितनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको कितना अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम आप टारगेट लेकर के अगर अच्छे अच्छी तरीके से जिस स्टूडेंट की प्रिपरेशन है, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो एटलीस्ट 80 कम से कम 80 नंबर लाने की कोशिश करें, कम से कम 80 नंबर लाने की कोशिश करें जो अच्छे स्टूडेंट्स है, ठीक है, मिनिमम 80 मार्क्स लाने की कोशिश करें। अब हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो एवरेज स्टूडेंट एटलीस्ट 60 मार्क्स लाने की कोशिश करें, एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 60 से कम लाने की कोशिश ही नहीं करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप एटलीस्ट 60 अगर सोचेंगे तो एग्जाम में आप कहीं 80-85 करेंगे, ठीक है, और 15 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, 15 या 20 क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जांपल आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 90 में से अगर 20 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो फिर आपके मार्क्स 60 से 70 के बीच में आ सकते हैं और आपको एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं ये बोला हूँ एवरेज स्टूडेंट 60 प्लस लाने की कोशिश करें, एटलीस्ट 60, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कम से कम 70 स्कोर करने की कोशिश करें ताकि आपके 70 मार्क्स आ जाए। अगर 70 मार्क्स आ जाते हैं एवरेज स्टूडेंट के, ठीक है, तो फिर उनको चांस रहेगा कि हो सकता है कंप्यूटर साइंस में भी मिल जाए, और अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या AI भी मिल सकता है। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं और वो 80 प्लस लाने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अब रही बात अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ जाते हैं 60 से नीचे, फॉर एग्जांपल आ जाते हैं 50 से 60, तो क्या उसको कोई ब्रांच मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बिल्कुल उसको ब्रांच मिल सकता है, मैकेनिकल और केमिकल, सिविल और पेट्रोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। एक और बात, फूड टेक्नोलॉजी की कट ऑफ लास्ट ईयर 25 मार्क्स के बिलो तक गया था, ठीक है, अराउंड 22 प्लस कह सकते हैं, उतने पे फूड टेक्नोलॉजी मिल गया था, यानी कि बहुत से स्टूडेंट फूड टेक्नोलॉजी नहीं लेना चाह रहे थे, तो इस वजह से फूड टेक्नोलॉजी की कट ऑफ बहुत लो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोकेमिकल और फूड की, पेट्रोकेमिकल और केमिकल इन सब की, तो इन सब की एक्सटर्नल स्टूडेंट की, ये जो सब बात हो रही थी ये एक्सटर्नल स्टूडेंट की बात चल रही थी, ठीक है, ये सब अराउंड 40 प्लस गया था, ठीक है। केमिकल पेट्रोकेमिकल हो सकता है पेट्रोकेमिकल 38 पे मिल गया हो, ये लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट्स की, तो इंटरनल स्टूडेंट की लास्ट ईयर जो सेलेक्टेड लिस्ट में नाम था वो अराउंड 44, लास्ट स्टूडेंट जिसका मार्क्स 44 था उसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में था लास्ट ईयर, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टूडेंट जिसके मार्क्स 53 थे, 52.5 था एक्चुअली, उसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में था, ठीक है। तो इंटरनल स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि 42.5 पे लास्ट सेलेक्टेड लिस्ट में था, और टोटल 300 रैंक के अबाउट बनती है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे बात है कि 150 रैंक तक अबाउट CS मिल गया था, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इलेक्ट्रिकल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, और उसके बाद फिर केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फूड टेक्नोलॉजी लास्ट में गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में आपको कितना स्कोर करना है, ठीक है। आप जिस भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन है एटलीस्ट उतना लाने की कोशिश करें, और कट ऑफ तो आपको पता ही चला गया है एक्चुअली कि आपके अगर बिलो मार्क्स आ जाते तो भी चांसेस रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और स्टूडेंट ये बात जरूर आप ध्यान रखना कि कट ऑफ का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर एक साल का डिफरेंस देखा जाए तो कभी कभी 20-20 मार्क्स का भी कट ऑफ का वेरिएशन हुआ है। तो ये सब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलना, ऐसा नहीं करना है कि आप लास्ट ईयर का जैसे मैंने बता दिया उसी को लेकर के चलना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलना, एटलीस्ट 10-15 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश करनी है ताकि आप सेफ साइड में रहें और आपको अच्छी ब्रांच मिल जाए, ठीक है। ब्रांच से कंप्रोमाइज ना करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज ना करना पड़े लास्ट में, ठीक है स्टूडेंट। और सारे स्टूडेंट से मैं ये कहूंगा कि आपके जैसे ही
पेपर हो जाते हैं, उसके बाद मैं आंसर की अपलोड करूंगा और पेपर देखने के बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। और पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो ईजी नहीं आने वाला है। कोई भी स्टूडेंट ये होप मत करना कि पेपर ईजी आएगा, क्योंकि ईजी कभी आ नहीं रहा है। 2017 के बाद से ईजी कभी आया नहीं। 2017 में आया था, 2016 में भी मतलब मॉडरेट के ऊपर था और 17 में थोड़ा सा मॉडरेट से नीचे था, बट उसके बाद अगर देखा जाए तो पेपर मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है। तो स्टूडेंट्स आप इजी के चक्कर में मत रहें, ठीक है। आप जिस तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करके आए उसी तरीके से आप तैयारी करके जाएं एग्जाम में और वही माइंड में लेकर के जाएं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, और जैसे ही पेपर हो जाता है मैं आपको आंसर की बना के बताऊंगा और वीडियो पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है। और तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।